विद्युत वितरक संस्था टाटा पावर मात्राधिक कार्यानुष्ठान प्रतिवाद रे टाटा पावर पिपिली कार्यालय ठारे पिपिली नगर पिपिली ब्लॉक कांग्रेस पक्षरु धारणा प्रतिवाद सभा अनुष्ठित होई जाई। विशेष करी कंपनी कर्मचारी द्वारा साधारण गरीब ग्राहकों शोषण करि आसुवा बेले मन इच्छा मासिक बिल हेउथिबार कांग्रेस अभियोग करिछ। जेउ भली भाबरे सेवा जोगाई देबा पई सरकारी भाबे स्थिर करा जाईथिला ताकू संपूर्ण प्रत्याख्यान करी मनमुखी कार्य टाटा करुछि बोली कांग्रेस नेतृत्व अभियोग कर। कांग्रेस मुख्यपात्र निशिकांत मिश्रों नेतृत्व में शताधिक कांग्रेस कर्मी पिपिली विद्युत कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करने सहित धारणा देते। ए संपर्क में कांग्रेस पक्षर राज्यपाल उद्देश्य स्मारकपत्र प्रदान करेस प्रतिवाद सभार राज्य कांग्रेस मुख्यपात्र निशिकांत मिश्र जिला महिला कांग्रेस सभानेत्री निरुपमा पात्र पिपिली एनएससी कांग्रेस सभापति शेख मेहबूब प्रमुख जोगद टाटा कंपनी विरुद्ध कार्यानुष्ठान दावी करी। मो नाम हूँ संजय कुमार सतपस्ती लक्ष्मीनामपुर ग्राम पंचायत मुझे कांग्रेस कर्मी द्वितीय मोर गोटे राइस मिल अच्छी मुझे राइस मिल ओनर मिनी राइस मिल ओनर दाबी आज भारतीय जातीय कांग्रेस तरफ रू जो दाबी इटे आंदोलन दाबी हूँ टाटा पावर मनमुखी कार्यक्रम कौन मनमुखी कार्यक्रम प्रथम अघोषित विद्युत काट द्वितीय जो स्क्वाड पार्टी जाऊँगी गाँ गोटा को सेमकर मनोमुखी मात्राधिक कार्यकलाप चेकिंग गोटे चेकिंग आल कर घरे पशि अनेक अनेक महिला जो मान प्रत्येक मनीष दसटा पर जेझा वार्क से जाए घरे लेडीज लोक था ये मन इच्छा पशुं लेडीज मानक मिसबिहेव कर घरे सब प्रकार मानने डायग्राम को नहीं दरकार पड़े मानने डकायत को भी सेटल करगत दिन करेंगे चोरी करने यहाँ गोटे कार्य द्वितीय टाटा पावर कौन करुच्ची आमर वर्षके 12 मास 12 थर रिडिंग हवा कथा 13 थर 14 थर हो गोटे कंज्यूमर मिनिमम फिक्स चार्ज मसक 30 टका कि 40 टका बिल आसे जदि 13 थर रिडिंग है 13टा बिल से पाइला प्रति मसरे 13 थर आउ थे 25 दिनिया रिडिंग हम तेल वर्षे केते थर रिडिंग है ये टाटा पावर ना पर आउ गोटे मोर मुख्य दाबी जे टाटा पावर जेबे ठूला गोटे निरीह लोक पिपिली डेलांग एरिया चाषी एरिया चाषीर किसी लोकंर पैसा बाकी अच्छी टाटा पावर थिबा अवस्था तो पैसा बाकी ना से विगत दिन पैसा ताकू आदाय करने जुलूम करुच्छे आउ गोटे कथा आम समस्त जाणीचे मार्च मस हो गवर्नमेंट रोच कौन फाइनेंशियल मस एरियर कलेक्शन मस गोटे थर वर्षके मार्च मस प्रत्येक कंपनी हो जेको संस्था हो मार्च मस फाइन आदाय एरियर आदाय कै ये प्रति तीन मस मार्च मस टाटा पावर करोटा कि आम इंडस्ट्रियल लोक हूँ स्मॉल इंडस्ट्री हो बा गोटे चाषी बंदी लोक हो गोटे वर्षा दिन तक ए मस मार्च मस होता है गोटे चाषी बंदी लोक धान पीड़िया पकेब ना तार जो एरिया अच्छे से मार्च मस पैसा दब यार माने कौन तेणुक ये गोटे कौन ना मनमानी कार्यक्रम चलते गोटे गुंडाराज जदि यार हुए तो दीर्घ दिन मैंने घोर प्रतिवाद हो जनसंतोष धीरे धीरे मानने संगठित है आगामी दिन में जोरदार गोटे आंदोलन सृष्टि हम एवं टाटा पावर वितरक कंपनी विद्युत वितरक कंपनी जो भाव में ग्राहक मानक मात्राधिक कार्यानुष्ठान नौचि मनोमुखी बिल दौची एवं जो चुक्ति कर 24 घंटिया अहर विद्युत सरबराह करवाई एमती कौन सी मसरे ना ये 60 घंटू अधिक विद्युत काट नौ ता बाद गोटे मसरे 60 घंटा विद्युत काट हो किंतु ता परवर्त बिल आस मस बिल आस प्रति मास रे बिल बढ़ी बढ़ी चलती किंतु विद्युत सरबराह सठिक हो टाटा पावर कर्मचारी मैंने जबरदस्त साधारण लोक घर बस मीटर रीडिंग ना रे फैन गणुं लाइट गणुं अजथा फाइन कर 10,000 15,000 मनमुखी फाइन कर 50,000 लक्ष पर्यंत फाइन कर सबू क्षेत्र में जो पिपिली अंचल हूँ गोटे कृषि प्रधान अंचल साधारण लोक कृषि उपर निर्भर करती विद्युत वितरक कंपनी जबरदस्त लाइन काटि दौंट एवं नुआ संजोग कला बेलू पूर्व एरिया 50% कौन एरिया अच्छी जहाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थला जहाँ था दावी करार प्रतिवाद रे पिपिल ब्लॉक कांग्रेस पिपिल नगर कांग्रेस पक्षर आज प्रतिवाद धारणा अनुषित होती राज्य सरकार ए दिगरे तुरंत पदक्षेप नियंतु जो चुक्ति करा टाटा कंपनी विद्युत सरबराह करने सठिक विद्युत सरबराह करूँ परवर्त समय जो भाव ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व भारतीय लोकों ठार चांदा आदाय करूला ब्रिटिशर्स मान को दौला एवं वर्तमान राज्य सरकार टाटा कंपनी की एजेंट सजाई साधारण नागरिक जबरदस्त जुलूम कर पैसा आदाय कर एवं आमको दे
ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରବ। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଏ ଧାରଣା ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଏ, ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ, ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରିବ। ଏବେ ମୁଁ କହିବିନି ଏଠି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଯଦି ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସରେ ଦେଇପାରୁନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ତାଠୁ ଡବଲ୍ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମିଟର ରିଡିଂ ହିସାବରେ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କହିଲେ ଚାଇନା ମିଟର ଲଗା, ଏବେ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ କେତେ ଥର ମିଟର ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ମିଟର ରିଡିଂରେ ବି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ତାକୁ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଟର ରିଡିଂ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ବି ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଯଦି ତମର 10 ୟୁନିଟ୍ କି 20 ୟୁନିଟ୍ ଜଳା ହେଇଛି, ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରିକି ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଅଦରାଇଜ୍ ସିଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏଇଟାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଚାଲୁ ହୁଏ, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।